से हाय। हेलो गाइस, फाइनली द वेट इज ओवर। मैं लेके आई हूँ सेकेंड डे का ब्लॉग जो कि रानीखेत का है, और ये हूँ मैं आई हूँ झूला देवी माता के टेंपल में। यहाँ पे फेमस है माता जी का टेंपल जो दुर्गा माता के अवतार माने जा रहे हैं। ये 700 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। तो यहाँ पे मेरे मन्नत था, तो मन्नत पूरा होने के बाद वापस जाना पड़ता है और बेल्स लगाने पड़ते हैं वॉल में ना मंदिर के। तो यहाँ पे बेल्स देखिए, ये पूरा मंदिर ही पूरे के पूरा मंदिर में ही बेल्स से भरा हुआ है। तो लोगों ने कितने मन्नत मांगी और कितने पूरे हुए तभी ये बेल्स लगाए गए। तो समझ सकते हैं कितना पॉपुलर है ये मंदिर। झूला देवी माता के टेम्पल के बारे में हिस्ट्री में लिखा हुआ है, हिस्ट्री भी लिखा हुआ है इनके बारे में। तो ये था झूला देवी माता टेम्पल रानीखेत में। अब हम फाइनली गाड़ी में बैठ गए, अभी हम जा रहे हैं हेड़ा खान मंदिर। हेड़ा खान बाबा जो कि फेमस हैं, वो शिव जी का अवतार माने जाते हैं। ये भी 1000 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे जब भी रानीखेत आप आइए तो यहाँ पे भी दर्शन कीजिए। यहाँ से आपको पूरे माउंटेन्स दिखेंगे, हिमालयस, उत्तराखंड, मतलब हमारे जो भी माउंटेन्स हैं वहाँ से आपको दर्शन हो जाएंगे। और ये हमारी फैमिली, हम लोग पूरे के पूरे दर्शन करने गए थे। ये मंदिर का शांत वातावरण आप देख सकते हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स हमने काफ़ी देखे। यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं, योगा होता है, लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है बेसिकली, जो पेन में रहते हैं उन लोगों के लिए है। तो ये हिमालयस आप दिख रहे हैं, और ये मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा है, जो हेड़ा खान बाबा थे उनके इतिहास के बारे में। हाँ जी गाइस, हेड़ा खान बाबा के मंदिर के बाद हमने रानीखेत को कर दिया है अलविदा। तो अब हम पहुंच गए हैं कैंची धाम, जो कि बाबा नीम करौली जी का आश्रम है। गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जूलिया रॉबर्टसन जो हॉलीवुड स्टार एक्ट्रेस हैं, वो बाबा नीम करौली की भक्त हैं। वो यहाँ विजिट करती रहती हैं। मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, ये सब यहाँ पे आते हैं, उनके भक्त हैं। और बॉलीवुड के भी कुछ स्टार्स उनके भक्त हैं। तो अभी ये टेंपल इसी वजह से भी और काफ़ी फेमस हो चुका है। तो गाइस, हमें काफ़ी टाइम लग गया रानीखेत से नैनीताल पहुँचने में। तो अभी हमें बहुत कुछ कवर करना है, नैना देवी टेम्पल भी कवर करना है, बोटिंग भी करना है। तो बोटिंग फटाफट हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी बंद भी हो जाएंगे काउंटर्स ना, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बोटिंग कर रहे हैं। हाय इशिता, इट्स सो कूल। गाइस, बोटिंग करने में बहुत मज़ा आया, हवा बहुत अच्छा चल रहा था, ठंडा ठंडा, एंड लहरें भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पानी बहुत साफ़ है। बोट वाले ने बताया कि ये पानी इतना साफ़ है कि यहाँ पूरा नैनीताल इसी झील का पानी पीते हैं। उसके बाद हम वॉक के लिए निकले। हमें अब वॉक करके ही नैना देवी टेम्पल पहुँचना है। वॉक करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा सीनरी है, अच्छा सीनिक व्यू है, अच्छे अच्छे दुकानें हैं, अच्छे अच्छे होटल्स, बहुत ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था। जब तक हम वॉक कर रहे थे रात भी होने वाला था, इवनिंग हो चुका था, और हम मस्ती में वॉक करते करते नैना देवी टेम्पल पहुंच गए गाइस। नैना देवी टेम्पल में हमें आरती के टाइम पहुंचने का मौका मिला, बहुत ही आनंदमय समय है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। नैना देवी टेम्पल, सती माता का नैना, यहाँ पे उनका पतन हुआ था, तो इसलिए नैना देवी टेम्पल यहाँ उनका नाम रखा गया है। इसके बाद हम पहुँचे गाइस नैनीताल बोट हाउस क्लब में डिनर करने। फिर यहाँ पे हमने डिनर करके अपना नैनीताल का डे टू का विज़िट हमने कम्प्लीट करा। तो गाइस, ये ट्रिप मेरे लिए तो बहुत मेमोरेबल था। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।